प्रदेश भर में पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है मकर संक्रांति। पूजा अर्चना के साथ लोगों ने पतंगबाजी का भी उठाया आनंद। भारत और बांग्लादेश के सूचना और प्रसारण मंत्रियों के बीच कंटेंट शेयरिंग के लिए समझौता। तीन दिवसीय युवा महोत्सव का रंगारंग समापन। मुख्यमंत्री ने गांव-गांव में राजीव मितान केंद्र खोलने की घोषणा की। और कोल इंडिया के अंतरक्षेत्रीय लॉन टेनिस प्रतियोगिता का चैंपियन बना एसईसीएल। फाइनल में महानदी कोलफील्ड्स को हराया। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलुवालिया और अब समाचार विस्तार से। आज मकर संक्रांति है। प्रदेश भर में यह त्यौहार पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास से मनाया जा रहा है। राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जनता को मकर संक्रांति और पोंगल पर्व की बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने सभी लोगों के लिए सुख समृद्धि की कामना की है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में मकर संक्रांति के अवसर पर शोभा यात्रा निकाली गई। माता बम्लेश्वरी के मंदिर में पूजा अर्चना के बाद यह शोभा यात्रा नगर भ्रमण के लिए निकली। इस मौके पर विभिन्न समुदायों ने करमा, ददरिया, सुआ और राउत नाचा का प्रदर्शन किया। नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए शोभा यात्रा वापस मंदिर परिसर पहुंची। मकर संक्रांति पर प्रकाश डालते हुए पंडित सरोज द्विवेदी ने बताया है कि सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने पर सूर्य उत्तरायण होते हैं। इस अवसर पर स्नान, दान और मांगलिक कार्यों का विशेष महत्व होता है। 14 तारीख की रात को 2:06 पर सूर्य ने मकर राशि में प्रवेश किया है। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करना हमारी संस्कृति में बड़ा महत्वपूर्ण होता है और इसलिए यह पर्व पूरे देश में कहीं मकर संक्रांति, कहीं पोंगल, कहीं लोहड़ी आदि आदि के रूप में मनाया जाता है। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने पर सूर्य उत्तरायण होते हैं, उत्तरी गोलार्ध में भ्रमण करते हैं, तो इसका राजनीति, व्यापार और मौसम पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है, इसलिए ही इसका महत्व है। मकर संक्रांति के बाद स्नान, दान, पुण्य, पूजा पाठ आदि का महत्व है और मकर राशि में आने के साथ ही खर मास या मल मास समाप्त हो जाता है, तो उसके बाद विवाह आदि शुभ कार्यों के लिए शुभ मुहूर्त शुरू हो जाते हैं। इधर भिलाई में भी अयप्पा सेवा संघम ने मकर संक्रांति पर शोभा यात्रा निकाली। भगवान अयप्पा स्वामी के भक्तों ने 41 दिन का उपवास पूर्ण करने के बाद यह शोभा यात्रा निकाली। सेक्टर 5 के गणेश मंदिर से निकलकर शोभा यात्रा सेक्टर 2 स्थित अयप्पा मंदिर पहुंची। इस दौरान श्रद्धालु काले वस्त्र धारण कर सिर पर इरी मुड़ी रखकर चल रहे थे। और मंदिर में अयप्पा स्वामी की विशेष पूजा और अभिषेक किया गया। इस मौके पर पंडित तुषारकांत मोहपात्रा ने बताया है कि सूर्य के उत्तरायण होने के बाद वैवाहिक कार्यक्रमों की शुरुआत हो जाएगी। मलमास की वजह से, पौष की महीने की वजह से शादी और शुभ कार्य की अभी बंद था। अभी मकर संक्रांति होने के बाद माघ महीने के अभी फिर शुद्ध समय शुरू हो गया, अशुद्ध काल की समाप्ति हो गई, शुद्ध समय अभी से शुरू हो गया। अभी शादी ब्याह और शुभ कार्य के लिए सभी समय पक्की हो गई। जांजगीर चांपा जिले के तपसी धाम डोंगा घाट में हसदेव गंगा महाआरती का आयोजन हुआ। विधायक नारायण चंदेल, नगर पालिका अध्यक्ष जय थवाइत और अन्य लोगों ने महाआरती में हिस्सा लिया।
इस दौरान हसदेव नदी के संरक्षण का भी संकल्प लिया गया। मकर संक्रांति पर पतंगबाजी की परंपरा को बनाए रखने के लिए रायगढ़ में पतंग महोत्सव का आयोजन हुआ। स्थानीय नटवर स्कूल मैदान में आयोजित महोत्सव में बच्चों से लेकर बड़ों तक ने पतंगबाजी का आनंद उठाया। इस महोत्सव का आयोजन जेसीआई ने किया था। जेसीआई के अध्यक्ष पंकज अग्रवाल ने बताया है कि दो दिन तक चलने वाले महोत्सव में पतंगबाजी के अलावा कुछ और खेलों को भी शामिल किया गया है। पहले जब हमारे फाउंडर प्रेसिडेंट सचिन भाई ने मतलब चालू किए थे, हम लोग मात्र 22 सदस्य थे और आज हम लोग 80 सदस्यों का परिवार हो गए हैं। लगातार ये जारी है। जी जी, लगातार जारी है। खास बात यह रही कि इस महोत्सव में कई तरह की पतंगे देखने को मिली। शहर के विनोद कुमार ने बताया कि वे विशाखापट्टनम से पतंगे लेकर आए हुए हैं। ये इस फेस्टिवल के लिए स्पेशल विशाखापट्टनम से ये पतंग लेके आए हम लोग, ताकि यहाँ पे थोड़ा सा कुछ नया माहौल बने, क्योंकि नॉर्मल सारी पतंग तो वही उड़ती है, तो लोगों को दिखाना चाहते हैं कि ऐसी पतंग भी लेके आओ ताकि माहौल अच्छा बने। वहीं मुंगेली में भी स्टार्स ऑफ टुमारो संस्था ने पहली बार पतंग महोत्सव का आयोजन किया। इससे शहर के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आयोजक रामपाल सिंह ने बताया है कि पतंगबाजी की विलुप्त हो रही परंपरा को बचाए रखने के लिए ये आयोजन किया गया है। सहित आसपास के जगहों पर गली में मोहल्लों में पतंग बाजी देखने को मिली जाती थी, लेकिन जैसे जैसे आज समय आगे बढ़ते जा रहा है, मोबाइल के युग में बच्चे ये जो हमारी पुरानी परंपरा और संस्कृति रही है इसको भूलते जा रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में सूर्य के उत्तरायण होने पर मकर संक्रांति के अवसर पर ये पतंगबाजी प्रतियोगिता पूरे भारतवर्ष में आयोजित होता है, तो हमने सोचा कि क्यों ना मुंगेली में भी इस प्रकार का प्रतियोगिता आयोजित किया जाए, ताकि जो हमारी जो संस्कृति है उसको मुंगेली में एक बार जो खो चुकी है ये चलन उसको पुनर्जीवित करने के प्रयास से ही ये प्रतियोगिता का दोबारा आयोजन हमारी संस्था स्टार्स ऑफ टुमारो के द्वारा किया जा रहा है। तो पतंग महोत्सव में युवाओं और बुजुर्गों का उत्साह भी देखने को मिला। बेहतर प्रदर्शन करने वालों को पुरस्कार भी दिए गए। भारत और बांग्लादेश के सूचना और प्रसारण मंत्रियों के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। दोनों देशों के मंत्रियों ने आकाशवाणी और बांग्लादेश के सरकारी प्रसारणकर्ता बांग्लादेश बेतार सामग्री को साझा करने के लिए कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस दौरान एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर हुए हैं। इस समझौते के बाद ऑल इंडिया रेडियो प्रसार भारती और बांग्लादेश बेतार रेडियो के बीच कंटेंट शेयरिंग की शुरुआत हो सकेगी। बांग्लादेश बेतार और भारतीय सार्वजनिक प्रसारणकर्ता प्रसार भारती के ऑल इंडिया रेडियो ने एक कंटेंट शेयरिंग कार्यक्रम की शुरुआत की है। ऑल इंडिया रेडियो और बेतार रेडियो इन कार्यक्रमों का निर्माण करेंगे, जिसे एक दूसरे के साथ साझा किया जाएगा, जिससे दोनों देशों के श्रोताओं को इसका फायदा मिलेगा। भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रीय प्रसारक भविष्य में और अधिक मिलकर काम करेंगे। बांग्ला बेतार इंडिया और आकाशवाणी, इनके नए प्रोग्राम्स भी लॉन्च किए जो दोनों देशों में सुने जाएंगे और पिछले अनेक सालों से मैत्री के रूप में आकाशवाणी के कार्यक्रम 16 घंटे रोज बांग्लादेश में होते हैं। बांग्लादेश के भी कार्यक्रम जॉइंटली आते हैं। वैसे ही टीवी पर हमने डीडी बांग्ला और डीडी इंडिया, ये दोनों के बीच में एक प्रोग्राम एक्सचेंज करके अच्छे जॉइंट प्रोग्राम्स तैयार करें, इसकी भी बात की है। भारत के राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम और बांग्लादेश के फिल्म विकास निगम के बीच शेख मुजीबुर रहमान के जीवन और कार्यों से जुड़ी फिल्म बनाने को लेकर भी समझौता हुआ है। बंगबंधु नामक फीचर फिल्म का निर्देशन श्याम बेनेगल करेंगे और फिल्म के अगले साल मार्च तक रिलीज होने की उम्मीद है। साथ ही भारत बांग्लादेश में फिल्म सिटी के निर्माण में भी सहयोग करेगा। तो रेडियो के क्षेत्र में भारत और बांग्लादेश की एक नई पहल। रुक करते हैं प्रदेश की अन्य खबरों का। राजधानी के साइंस कॉलेज मैदान में 3 दिनों से चल रहे राज्य युवा महोत्सव का कल रंगारंग समापन हुआ। समारोह में शामिल होने पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हर साल 12 से 14 जनवरी तक राज्य युवा महोत्सव की घोषणा की है। इस अवसर पर उन्होंने राजीव मितान क्लब की शुरुआत की। ये क्लब हर गांव और शहर के हर वार्ड में खुलेगा। इसकी सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेलकूद की गतिविधियों के संचालन के लिए सरकार प्रत्येक महीने 10,000 रुपए की मदद देगी। 12 से 14 जनवरी तक चले युवा महोत्सव में प्रदेश भर से करीब 7,000 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। मुख्यमंत्री ने सभी प्रतिभागियों को प्रोत्साहन स्वरूप 500-500 रुपए देने की घोषणा की है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे लोगों के बीच में भाईचारा है। हम किसी भी गांव अथवा जिले में रहें,
हमारा जो संबंध है, जो भाईचारा और एकता है, वह मजबूत बनी रहे। इसी मकसद से युवा महोत्सव का आयोजन किया गया था। प्रदेश के विभिन्न खरीदी केंद्रों पर समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की प्रक्रिया जारी है। जांजगीर चांपा जिले में धान खरीदी के बाद उठाव में दिक्कतें हो रही हैं। डीओ कटने के बाद भी ट्रांसपोर्टर धान का उठाव करने में लापरवाही बरत रहे हैं। जिले के विभिन्न केंद्रों से 20 लाख क्विंटल से अधिक धान का उठाव नहीं हो पाया है। जिला विपणन अधिकारी सुनील राजपूत ने बताया कि धान का उठाव जल्द ही शुरू हो जाएगा। 40 लाख क्विंटल की खरीदी हुई है, जिसमें हमने समितियों से मिलर को सीधे 23 लाख क्विंटल जारी कर दिए हैं। उसमें मिलर 20 लाख क्विंटल उठा भी लिए हैं और अभी 22 लाख क्विंटल समितियों में हैं। जिले में अभी दो दिन से ट्रांसपोर्टर भी धान उठाना शुरू कर दिए हैं, तो जिससे समितियों में अब धान की जो जाम की स्थिति दिख रही थी वो कम हो जाएगा। बारिश से जिन समितियों में धान भीगा था उसने मिलर के माध्यम से उठाव कराए हैं, तो जिससे बारिश से नुकसान की संभावना कम है। और इस बात को लेकर पिछले दिनों कलेक्टर ने बैठक लेकर धान के उठाव में तेजी लाने के निर्देश दिए थे, इसके बाद भी सुस्ती जारी है। कलेक्टर जेपी पाठक ने बताया कि धान का उठाव आज से ही शुरू हो जाएगा। जांजगीर जिले के 209 खरीदी केंद्रों में अब तक कर 4,13,000 मीट्रिक टन धान खरीदी जा चुकी है और लगभग सभी किसानों का उनके खातों में पैसा आना प्रारंभ हो चुका है। 1,65,000 मीट्रिक टन धान का उठाव हो चुका है विभिन्न मिलरों के द्वारा चावल बनाने हेतु। अब जो शेष जो धान बचे हैं उसको जिले के 4 संग्रहण केंद्र अकलतरा, जांजगीर, बोड़ा सागर, सेरो में परिवहन करने की अनुमति हमें प्राप्त हो गई है और उसका भी परिवहन आज से प्रारंभ हो रहा है। तो प्रशासन के दावों के बीच धान खरीदी केंद्रों में समस्या विकराल होती दिख रही है और कई केंद्रों में धान रखने की अब जगह भी नहीं बची है। और खेल समाचारों में कोयला उत्पादन के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित करने वाली SECL खेल के क्षेत्र में भी नए कीर्तिमान गढ़ रही है। कोरबा में आयोजित कोल इंडिया अंतर क्षेत्रीय लॉन टेनिस प्रतियोगिता के खिताबी मुकाबले में SECL की टीम ने महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड को हरा दिया। और आपको बता दें कि SECL इस प्रतियोगिता में के चैंपियनशिप पर लगातार कब्जा जमाए हुए है। SECL के कार्मिक प्रबंधक RS झा ने विजेता और उपविजेता की टीम को पुरस्कार प्रदान किए। उन्होंने कहा कि SECL ने अपनी परंपरा को कायम रखा है। इसमें आज वर्षों की परंपरा को निभाते हुए SECL का टीम पुनः चैंपियन हुआ है और उपविजेता के रूप में महानदी की टीम हुई है। और आयोजकों ने प्रतियोगिता में शामिल टीमों को बधाई दी। ये प्रतियोगिता 11 से चल रही है। और इधर रायपुर में आज से 65वीं राष्ट्रीय शालेय खेल प्रतियोगिता की शुरुआत हुई है। इस प्रतियोगिता में 13 राज्यों के 602 खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। मेजबान छत्तीसगढ़ से सर्वाधिक 78 खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में शामिल हुए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग के सहायक संचालक अनिल मिश्रा ने बताया कि इस आयोजन में ड्रॉप रो बॉल, टेबल सॉकर और सॉफ्ट टेनिस की प्रतियोगिताएं होंगी। 13 राज्यों से 40 खिलाड़ी आए हुए हैं प्रदेश में तीन खेलों में हिस्सा लेने के लिए। ड्रॉप रो बॉल 17-19 वर्ष बालक बालिका, टेबल सॉकर 14-17-19 वर्ष बालक बालिका और सॉफ्ट टेनिस 19 वर्ष बालक बालिका में। ये तीन अलग अलग जगह इनका आयोजन होगा, चौबे कॉलोनी स्कूल में सॉफ्ट टेनिस का और टेबल सॉकर का, और पुलिस ग्राउंड में स्केटिंग रिंक के अंदर ड्रॉप रो बॉल का मैचेस होंगे। रायपुर के जिला शिक्षा अधिकारी जीआर चंद्राकर ने कहा है कि इन खेलों पर छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों का एक अधिकार है। पिछले साल के रिकॉर्ड के अनुसार से हम 6वें क्रम पर हैं। छोटे राज्य होने के बाद भी आज हमारे खिलाड़ियों ने और जो मेहनत किया है, विभाग ने जो मेहनत किया है, इस मुकाम तक हम पहुँच पा रहे हैं। लेकिन जो राष्ट्रीय खेल कुछ प्रतियोगिता हो रही है कि आयोजक होने के नाते हमारी सहभागिता तो यह सहयोग अपेक्षित भी है और हम पूरा कर पाएंगे और हमारे जो प्रतिभागी बच्चे हैं जो छत्तीसगढ़ के विशेष तौर पर उनको शुभकामना भी देता हूँ। भारतवर्ष से जो बच्चे आए हुए हैं उनको भी शुभकामनाएं देता हूँ।
और आपको बता दें कि 15 से 19 जनवरी तक इन तीन खेलों की प्रतियोगिताएं शहर के तीन अलग अलग मैदानों पर होंगी। पिछले साल हुई राष्ट्रीय खेल शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों के बेहतर प्रदर्शन को देखते हुए विभाग अधिक से अधिक मेडल लाने की उम्मीद कर रहा है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।